हीरो, 10 गुंडों को पीटता हीरो, हीरोइन के साथ पेड़ों के आसपास नाचता हीरो, सिनेमा का एक सुपर हिट पैंथरा। लोग आते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने गुनगुनाते हैं और फिल्म को भूल जाते हैं। पर जब सिनेमा समाज का सच सामने लाता है तो यूं हंगामा क्यों? क्या हम सच जानते नहीं या उस सच से सामना नहीं करना चाहते? उड़ता पंजाब, अनुराग कश्यप की वो फिल्म जो पंजाब में फैलते नशे को दिखाती है, वो फिल्म जो समाज को आईना दिखा रही है और जो हमें आने वाले खतरे पर आगाह कर रही है। तो आखिर क्यों इतने विवादों में फंस गई? अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो पंजाब में 2017 में चुनाव होने वाले हैं और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की गठबंधन सरकार है। क्या राजनीति समाज से बड़ी है? क्या अपने फायदे के लिए सिनेमा का गला यूं घोट दिया जाएगा? जहां सेंसर बोर्ड का काम मात्र फिल्म को सर्टिफिकेट देना है, वो फिल्म को बैन करने की बात कैसे कर सकता है? और जिस देश में मस्ती ज्यादा और क्या कूल है हम जैसी फिल्में UA सर्टिफिकेट पर चल सकती हैं, तो उड़ता पंजाब जैसे सच को दिखाने वाली फिल्म क्यों नहीं? ये एक सवाल है हमारे प्रशासन पर। जो लोकतंत्र हमें बोलने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, वहाँ इस तरह के मामले सिर्फ उदासी देते हैं। बंजर जमीन को तो फिर भी जिंदा किया जा सकता है, पर मरते युवाओं को कैसे जिंदा करोगे? सवाल बहुत है, पर जवाब में खामोशी क्यों? टीम न्यूज़ 1 मुंबई।